हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार सभी बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर, आवाज़ आ रही है। क्या आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? हाय ममता, राधे राधे बेटा, कैसे हो? चलो एक बार जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर देंगे ग्रुप में, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके लिए। एक परिवार है टेलीग्राम चैनल का, जिस पे हम लोग क्या करते हैं सर, सभी बच्चों को शेयर करते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर कर देंगे, जिससे क्या होगा सर, सभी बच्चे टाइम पे क्लास में एंटर कर लेंगे। जल्दी से सभी बच्चे शेयर करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी शेयर कर दो जल्दी जल्दी, है ना। आज बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है जो कि आप पे बहुत काम आने वाले हैं, एंड इसको हम लोग एनालिसिस सर करने वाले हैं। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो बैक टू बैक हम लोग देखते हैं सर। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आएंगे, फिर क्लासेस हम लोग सर स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होंगे, आपके डिफेंस से रिलेटेड हो जाए या PCS लेवल हो जाए या SSC बैंक लेवल, मतलब कोई भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है सर, बेनिफिशियरी होगा आपका करेंट अफेयर। ठीक है, तो जल्दी से सभी शेयर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद सर हम लोग क्लासेस क्या करेंगे, चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, सभी बच्चों को शेयर कर दिया, आप सब भी शेयर करेंगे, बाकी बच्चे धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की करेंट अफेयर। जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होंगे वो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे सर, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्रैक CDS AFCADS CAPF इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सर, अन अकेडमी पर आप मेरे संग स्टडी कर रहे हो, है ना। एंड वॉट यू विल गेट, आपको अन अकेडमी पर सर क्या क्या मिल सकता है, तो डेली लाइव क्लासेस भी मिल सकती है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, मिल सकती नहीं है, मिलती है। स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलते हैं यहाँ पे आपको, एंड लाइव टेस्ट क्विजेस मिलती है आपको, और अनलिमिटेड एसेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है अनअकैडमी हमारा टीम। एंड दिस इज़ अ लर्निंग ऐप, आप जब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इतने सारे बच्चों ने डाउनलोड किया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं आप भी डाउनलोड करेंगे। जो फ्री क्लासेस होंगे आपको लाइक दिस इस तरह से सब कुछ दिखाई देगा, एंड उसके बाद अगर आप देखो ये पूरी फ्री क्लासेस आपके सामने, ये भी पूरी फ्री क्लासेस है। ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है अगर आप इसको यहाँ पे सी ऑल करते हैं। ये अपकमिंग और जितने सारे क्लासेस चल रहे हैं, प्लस के कोर्सेज जितने सारे चल रहे हैं, वो 3000 प्लस कोर्सेज चल रहे हैं। आप ये किस में से, CDS AFCADS CAPF विंग में, और ऐसे ही सेम अगर एयरफोर्स NDA और सर नेवी वाले जो बच्चे हैं, इनके भी कोर्सेज चल रहे हैं, इनके कोर्सेज लगभग 1400 प्लस कोर्सेज चल रहे हैं। और जितनी सारी कैटेगरी होती है, लाइक UPSC हो गई, SSC हो गई, रेलवे हो गई, बैंकिंग हो गई, ऐसे ही सभी कैटेगरी में अपने कोर्सेज लॉन्च है, चाहे वो प्लस के हो, चाहे वो स्पेशल हो, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री क्लासेस देखें सर, हमने इंस्टॉल तो कर लिया है लर्निंग ऐप, बट वो ओपन नहीं होता, कोई भी क्लास ओपन नहीं होता, तो उस केस में आपको क्या करना है, इस RLive कोड को यूज़ करना है। क्या करना है सर, इस RLive कोड को यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि जो फ्री क्लासेस होंगी स्टेप बाय स्टेप आप इससे करके ओपन कर सकते हैं। ये फ्री क्लासेस हमारी ऑलरेडी लर्निंग ऐप पे है,
ये क्विजेस को ज्वाइन करने का सर क्या है तरीका है, आप देख सकते हैं ये आपका वो है टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कुछ बेनिफिट चल रहे हैं आप सब के लिए अनअकैडमी की तरफ से डिफेंस कैटेगरी में, तो इसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अगर आप 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सीडीएस एपकेट सीएपीएफ सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं 12th मंथ का, मतलब एक साल का, तो आपको इसके संग क्या होगा, एक साल का एसएसबी भी फ्री में मिलेगा। ठीक है, एक साल की एसएसबी आपको पूरी तरह से फ्री मिलेगी। ये कब तक, ध्यान रखिएगा, ऑफ़र विल बी एडेड, ये जो ऑफ़र है आपका एसएसबी वाला, ये 15 दिन के अंदर आपकी आईडी में जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये बेनिफिट उठा सकते हैं 30 सितंबर इस महीने के अंत तक, ये बेनिफिट उठा सकते हैं कि एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे एक साल का एसएसबी फ्री मिलता है। और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा 25% का आपको क्या है सर, डिस्काउंट मिल रहा है। कितने परसेंट का सर, 25% का। कब तक सर, कल तक, आज 16 है कल 17 है, 13 से लेके 17 मतलब 4 दिन का ये ऑफर आप सबके लिए आया हुआ है, जिसमें 15% अनअकैडमी की तरफ से आपको दिया जाएगा और 10% एजुकेटर का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो रेफरल कोड जो आपको यूज़ करना है आर लाइव यूज़ करना है, जिससे टोटल आपको क्या होगा 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सब पूरा ऑफर आपके सामने लिखा हुआ है, तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरह से तो वो इसका बेनिफिट उठा ले आर लाइव कोड को यूज़ करके। सेम चीज़ वही है, क्या करना है सर, आर लाइव कोड को सर यूज़ करना है आपको, और ये बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है कितना कम होता जा रहा है प्राइस, देख रहे हो आप, ये 15% पे होने पे इतना है, लेकिन इसी पे 10% और हो जाएगा तो ये 11,000 से कितना हो गया, 10,000 हो गया, मतलब ओवरऑल देखो तो 14,000 से 10,771 हो गया, मतलब क्या हो गया, लगभग आप देख के लो कि 4,000 रुपये आपका कम हो रहा है, तो अच्छा है, अभी बेनिफिट आप सभी उठा सकते हो। ठीक है, चलो आगे आते हैं, और इन सबको उठाने के लिए बस इस आर लाइव कोड को याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस आर लाइव कोड को यूज़ करेंगे तभी आपको क्या होगा सर, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज़ कोई भी डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा जो है वो पहला टॉपिक ये है कि इंडिया क्रोशिया रिलेशन। देखो इंडिया और क्रोशिया के बीच में, क्रोशिया क्या है, कंट्री है, ठीक है, कौन सी कंट्री है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब कुछ अभी मैं बैक टू बैक आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानो कि इंडिया और क्रोशिया के बीच में क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई है, एक रिलेशनशिप, एक किस तरह की मीटिंग है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सभी कुछ हम लोग बैक टू बैक अभी क्या करेंगे सर, देखेंगे। अच्छा एक बार बता देना सभी बच्चों को, मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है, एक बार सभी बच्चे बताइए क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को, क्लियर है एकदम, एक बार सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे कि हाँ सर आवाज़ आ रही है, साउंड क्लियर है, एक बार बता देना सभी मैसेज से, एक बार मैसेज से रिप्लाई करोगे हाँ सर आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ साउंड क्लियर है। हाँ चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस। यहाँ पे पहला दिखाई दे रहा है इंडिया और क्रोशिया के रिलेशन, मतलब अभी हाल ही में क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था, किस किस कंट्री के बीच में हुआ था सर, इंडिया और क्रोशिया के बीच में हुआ था, किसके सर, इंडिया और क्रोशिया के बीच में हुआ था। ठीक है, चलो आवाज़ सबको आ रही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जामुन कुमार जय हिंद, क्लियर है, ठीक है, अनिमा कुमारी क्लियर है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन की बातें कही जा रही है इंडिया और क्रोशिया के बीच में। इंडिया और क्रोशिया के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है एक रिलेशन, ये कब से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, और जब ये क्रोशिया बना नहीं था, ये क्रोशिया जब बना नहीं था तो उसके पहले से इनका रिलेशन है, उस टाइम कौन सी कंट्री थी जब ये बना नहीं था, और जब ये क्या हुआ सर, टूट के अलग होके क्रोशिया और 5 अलग क्या हुए सर, कंट्री बने जो कि सराउंडेड है क्रोशिया के, वो कौन कौन सी कंट्रीज है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये मीटिंग सबमिट हुआ है अभी रिसेंटली, ये सब कुछ हम लोग बैक टू बैक देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चलो आगे आ जाओ। तो क्रोशिया किधर है सर, जी साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट कहाँ पे सर, साउथ ईस्ट एरिया में क्या है सर, लोकेटेड है साउथ ईस्ट यूरोप में, क्या है सर जी आपका, लोकेटेड है क्रोशिया। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये समझना। ठीक है, रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था, ठीक है, इसको किसने क्या किया सर, हेड किया था इंडिया की तरफ से, ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड क्रोशिया, ध्यान रखना इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और क्रोशिया के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में ये मीटिंग हुआ था। ठीक है, बोथ कंट्रीज अग्रीड दैट द पोजीशन ऑफ द बोथ कंट्रीज ऑन इशूज ऑफ सच इंडो पैसिफिक में जो इशूज चल रहा है
एंड सकेज द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का आपको पता है जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया उसके इश्यूज को देखते हुए, एंड काउंटर टेररिज्म मतलब किस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है इस चीज पे मीटिंग हुआ, एंड शेयर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि इकोनॉमिकली जो इंटरेस्ट है उस पे मीटिंग इन लोगों ने करा, टू लार्ज एक्सटेंड आर इक्वल मतलब क्या है कि स्थिति को काफी अच्छा करने के लिए इन सब मुद्दों पे क्या हुआ है सर, ये मीटिंग हुई थी, ध्यान रखिएगा इन सब मुद्दों पे सर क्या हुआ था, सर मीटिंग हुआ था। आगे कहानी क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है सर क्रोशिया। क्रोशिया के जो नियरेस्ट कंट्रीज है ना किससे घिरा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा ये चीज़ एग्जाम में पूछता है। तो आपको हंगरी दिखाई दे रहा है, सर्बिया दिखाई दे रहा है, बोस्निया दिखाई दे रहा है, ठीक है, हर्जगोविनिया भी है, उसके बाद सर स्लोवेनिया भी है। ये सभी कंट्री क्या है क्रोशिया के चारों तरफ से क्या है सर, घिरे हुए हैं। और इसके पहले क्रोशिया तो बाद में टूट के बना, ये कंट्रीज टूट के बनी, हंगरी टूट के बनी और क्या है सर बोस्निया टूट के बनी। इसके पहले क्या था कि सर टूट के ये बना, है ना, तो ये भी डिटेल्स हम लोग अभी क्या करेंगे सर देख लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है हाईलाइट ऑफ द मीटिंग, ये जो मीटिंग हुआ है इसके हाईलाइट्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ को भी हम लोग देख रहे थे। वेरी गुड मॉर्निंग निधि, ठीक है। हाईलाइट्स ऑफ द मीटिंग, टेररिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड बोथ द कंट्रीज विल ट्राई टू एक्सपेंड एयर कनेक्टिविटी। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो टूरिज्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सभी कंट्री के लिए होता है कहीं ना कहीं भाई। अगर एक सिंपल सी बात है, अगर टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म अगर बढ़ेगा उससे क्या होगा कि कंट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो हर एक कंट्री चाहते हैं कि हमारे टूरिज्म, और इस वक्त इस सिचुएशन में 2020-21 जैसे जिस तरह से सब कुछ डिजिटली हो रहा है उस कंडीशन में भाई टूरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक कंट्री के लिए है। तो हर कंट्री चाहता है कि भाई टूरिज्म बढ़े, तो सेम यहाँ पे कहा गया वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड द बोथ कंट्री विल ट्राई टू एक्सपेंड एयर कनेक्टिविटी। मतलब मीटिंग में ये भी बात कही गई कि दोनों कंट्रियों के बीच में क्या हो, एयर जो कनेक्टिविटी है उसको हम और भी एक्सपेंड करना चाहेंगे, ईजी करना चाहेंगे, जिससे क्या हो दोनों कंट्रीज के जो नागरिक हो वो क्रोशिया आए और क्रोशिया के लोग इंडिया आए क्या करने के लिए, सैर करने के लिए, घूमने के लिए। बोथ बिलीव दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन सेक्टर लाइक अ रेलवे, फार्मास्यूटिकल्स एंड डिजिटल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब मुद्दों पे क्या हुआ है सर, अच्छी खासी बातचीत हुई है, जिससे क्या होगा सभी दोनों कंट्रीज को सर क्या है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। आगे आते हैं सर, उसके बाद बोलता है सर्वल टॉपिक ऑफ अ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द यूरोपियन, ध्यान रखिएगा यूनियन, इंडियन रिलेशन, सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान, इकोनॉमिक्स एंड द कल्चर, कोऑपरेशन एंड द पोस्ट कोविड रिकवरी वेयर ऑल्सो डिस्कस इन द मीटिंग। मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सी बातें कहा जा रहा है, ये जो मीटिंग हुआ है अगर पूरी तरह से देखा जाए तो पर्यटन पे भी हुआ है, टूरिज्म पे भी हुआ है, टेरर अटैक पे भी हुआ है, अफगानिस्तान पे भी हुआ है, यूरोपियन यूनियन का जो सिचुएशन है उस पे भी हुआ है, COVID-19 जो अभी बीता है, पोस्ट COVID-19 जो अभी फिर से आया है, तो इन सब मुद्दों पे बात किया गया, इनके रिकवरी पे बात किया गया है कि किस तरह से इसको रिकवर किया जाएगा, किस तरह से क्रोशिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है और भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। एवरीथिंग इन मीटिंग में क्या हुआ है सर, बात हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं अभी आपको देने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, यही आपके यहां पे सामने है कि अबाउट इंडिया एंड क्रोशिया रिलेशन, भारत और क्रोशिया के बीच में जो रिलेशन है वो किस तरह का है, कब से चल रहा है, क्या ये अभी नई रिलेशन बनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिए। क्रोशिया इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर यूरोपियन कंट्री इन द टर्म ऑफ द जियो स्ट्रेटजिक स्टेटस, ध्यान रखिए क्रोशिया जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है सर जी, कंट्री है, किस पर्पज से, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री के पर्पज से, टर्म ऑफ द जियो स्ट्रेटजिक स्टेटस, बींग एन मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड नाटो, क्या है सर जी, ये मेंबर भी है यूरोपियन यूनियन का और नाटो का, एज वेल एज द गेटवे टू यूरोप वाई, क्या है सर जी ठीक है, एडियाटिक, क्या है सर जी, यूरोपी वाई एड्रियाटिक कोस्ट लाइन, मतलब वो एरिया है एड्रियाटिक कोस्ट लाइन, क्या है यहां पे समझिएगा, जो मैंने आपको जस्ट दिखाया घिरा हुआ था ये रहा, ठीक है, एडियाटिक यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, इस कोस्ट लाइन से क्या है सर घिरा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूरोपिया की तरफ, जो कि इटली की तरफ जाता है, तो बहुत बेनिफिट रखता है ये भी, तो इस वजह से ये क्रोशिया कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, कहाँ पे सर, यूरोपियन यूनियन। आगे आ जाऊं, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड क्रोशिया हैव बीन फ्रेंडली सिंस डेज ऑफ द फॉर्मर, ध्यान रखना
युगोस्लाविया, मतलब आज का नहीं है, जब युगोस्लाविया कंट्री थी तब से इंडिया के बीच में एक अच्छी रिलेशन रहा है, ये भी ध्यान रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड क्रोशिया हैव बीन फ्रेंडली सिंस द डेज ऑफ फॉर्मर, क्या है युगोस्लाविया, मतलब युगोस्लाविया जब कंट्री थी, जब क्रोशिया नहीं बना था उसके पहले युगोस्लाविया था, युगोस्लाविया जब टूटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तब जाके ये पांच कंट्री बनी थी, हंगरी हो गया, स्लाविया हो गया और क्रोशिया हो गया और दो नियरेस्ट कंट्री जो है वो निकल के बाहर आया था। उसके पहले सर क्या था, सर जी युगोस्लाविया था, तब से इंडिया के बीच में एक अच्छी रिलेशन है। अ सीरीज ऑफ अ पॉलिटिकल अपहेवल्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द अर्लियर 90s रिजल्ट इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द युगोस्लाविया, मतलब सिंपल से कह रहा है कि 1990s के समय से सीरीज से ही क्या है इसकी पॉलिटिकल अप एंड डाउन, मतलब कह सकते हैं उथल पुथल क्या है चल रहा है, किसका सर युगोस्लाविया का, और फाइनली क्या हुआ कि युगोस्लाविया को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। जब तोड़ा गया तो सर क्या क्या बना आपके सामने यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा है, क्रोशिया, स्लोविया, हंगरी एंड बोस्निया, सर्बिया, ये सब कंट्रीज क्या हुए बाहर निकल के आए थे। ठीक है, ध्यान रखना, तब से रिलेशन है 90s का, आज का रिलेशन सर नहीं है इंडिया के संग, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है रिलेशन, इसलिए मैं आपको सर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो अब यहां पे कह रहा है डिसइंटीग्रेशन हैव गेव बर्थ टू 6 न्यू कंट्रीज, ध्यान रखना 6 नए कंट्रीज बने थे जब ये क्या हुआ था टूटा था। यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है 6 कंट्री के नाम दिखाई दे रहे हैं सर, यहाँ पे सब कुछ है, क्रोशिया है यहाँ पे है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सर्बिया किससे अलग होके बना था, बोस्निया किससे अलग होके बना था, ये सब चीज़ें बस पूछ सकता है, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोशिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया तथा स्लोनिया, ये सभी कंट्रीज क्या हैं सर टूट के बने थे, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, एंड द युगोस्लाविया प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो वर बोथ द पाइनियर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये दोनों ने क्या किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या किया था सर, हिस्सा लिया था, और यही ध्यान रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, युगोस्लाविया यही टूट के क्या हुआ, 6 अलग चीजें, राज्य 6 अलग कंट्रीज बने थे। तो आप एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा था, पूछता भी है और पूछा भी गया है कि जब युगोस्लाविया जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जब विघटन हुआ उसका, टूटा तो कितने सारे नए कंट्रीज बने थे, तो ध्यान रखिएगा 6 नए कंट्रीज बने थे, कितने सर 6 नए कंट्रीज बने थे, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी का पार्ट है सर्बिया भी, उसी का पार्ट है सर मोंटेनेग्रो भी, क्या है सर जी इसी का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद सर बोस्निया भी उसी का पार्ट है, हर्जेगोविना भी उसी का पार्ट है, ये सभी कंट्रीज क्या है सर उसी से अलग होके अलग बने हुए थे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, लिहाजा ये रखिएगा। आगे आते हैं सर, पीपल ऑफ क्रोशिया हैव कीन इंटरेस्ट इन इंडिया, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी, ध्यान रखें इंडोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है सर जागरेब, मतलब कह रहा है कि क्रोशिया के लोगों की भारत में गहरी क्या है, एक दिलचस्पी है, मतलब अच्छा रिलेशन है, और जागरेब जो यूनिवर्सिटी है इंडोलॉजी विभाग के 6 दशकों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, बहुत अच्छी बात है, और एक दशक के पहले भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन, ध्यान रखिएगा कल्चर रिलेशन, ठीक है, हिंदी चेयर वॉज स्टेबलाइज एंड डिकेंडेको, मतलब काफी सालों पहले ही एक रिलेशन है और काफी पहले स्थापित की गई थी ये, क्या सर स्थापित किया गया था, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ICCR को क्या किया गया था सर, स्थापित किया गया था। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग निधि हो गया, लव यू टू अनिल, अनिल रोहलिया, किसने कह दिया नहीं लगी मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, किसने कह दिया कि नहीं लगी, क्या नहीं लगी। चलो, ये तो हमने एक आपको पहला न्यूज़ पढ़ा दिया, इंटरनेशनल रिलेशन था, इंटरनेशनल रिलेशन में किसके बारे में बताया गया सर, इंडिया और क्रोशिया के बारे में बताया गया, क्रोशिया की मैंने आपको हिस्ट्री दे दिया कि क्रोशिया कंट्री कैसे बनी थी, किससे अलग होके बनी थी और कितने सारे कंट्रीज बने थे, ठीक है, और इंडिया के संग इनका रिलेशन कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अभी रिसेंटली 2021 में जो ये मीटिंग हुआ है, इस मीटिंग का पर्पज़ क्या था, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन पे डिपेंड्स ये टॉपिक था, मैंने कंप्लीट करा। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, IUCN मतलब कहता है क्या सर, यूनियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, अब ये IUCN
वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ये है क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फाउंडेड कब हुआ था और ये करता क्या है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, सुरक्षित रखता है ऐसे पौधों को, ऐसे जानवरों को जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उन सब पे कंजर्वेशन का काम करता है। तो ये किस तरह से करता है और अभी ये न्यूज में अचानक से क्यों आया, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ये अचानक से न्यूज में क्यों आया, कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो कि क्या हो रहा है सर, गायब हो रहा है, क्या इसलिए आया है, इंडिया में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं और इससे आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा अच्छा ममता, अभी ना मैं फिर से कराऊंगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना ममता, अभी ना मैं आप लोगों को फिर से कराने वाला हूँ, मान के चलो एक दो दिन के अंदर, जो दोपहर में 2 PM वाली क्लास है उसमें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हर एक मंथ का अलग अलग करंट अफेयर 300 300 300 कराएंगे, तो वहाँ से फिर से हम PDF आपको दे देंगे, एक संग ले लेना, ठीक है ममता, अदरवाइज फिर से हमें देना पड़ेगा, तो उसी टाइम में एक संग हम आपको दे देंगे। और अगर अभी कोई एग्ज़ाम है रिसेंटली कुछ दिनों में तो बता देना, फिर मैं जल्दी दे दूंगा आपको, है ना, अगर रिसेंटली कुछ दिनों में ही आपका अगर पेपर है तो हम आजकल में आपको क्या करेंगे सर, दे देंगे, ठीक है। चलो सर, हाँ ममता, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, IUCN क्या है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग फोरम IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 पोस्टपोन फ्रॉम जून 2020 टू सितंबर 2021 इज बीइंग हिल्ड, कहाँ पे सर होने वाला था, फ्रांस में सर ये होने वाला था, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्सिली फ्रांस में ये मीटिंग होने वाली थी, ध्यान रखिए, कंजर्वेशन का कब होने वाला था रतन सर, तो ये होने वाला था सर आपका, ध्यान रखिएगा, जून 2020 से सितंबर 2021 के बीच में ये होने वाला था, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग फोरम। ये वर्ल्ड का बहुत ही बड़ा सर क्या है, एक एनवायरमेंटल एंड डिसीजन मेकिंग फोरम है, जो कि क्या नाम है, IUCN वर्ल्ड क्या है, कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का जो मीटिंग होने वाला था कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया, ये होने वाला था जून 2020, तो मतलब जून 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। मतलब अब क्या, सितंबर में न्यूज़ निकल गया है, इसका मतलब ये अब मीटिंग होने वाली है कंजर्वेशन पे। ये किस तरह का होगा, कैसा होगा, कहाँ पे होगा, एवरीथिंग आपके सामने दिखाई दे रहा है सर, फ्रांस के कहाँ पे, मार्सिले में होने वाला था। आगे आ जाओ, अब इसकी इंपॉर्टेंस को देखना, इट टुक क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजन, ध्यान रखिएगा, टू एड्रेस कंजर्वेशन प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग द क्या है, ongoing biodiversity crisis। मतलब कह रहा है कि यह एक तरह का क्या है सर जी, आपको ध्यान से समझना, कि टू क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजन, मतलब कि कुछ पॉलिसी जो कि क्रिटिकली होते हैं उसका डिसीजन यहां पे लिया जाता है, टू एड्रेस द कंजर्वेशन प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग द ongoing बायोडाइवर्सिटी crisis। मतलब कि जो भी अभी अभी फिलहाल में बायोडाइवर्सिटी crisis चल रहे हैं उस पर क्रिटिकली कोई डिसीजन लेना हो, या कुछ ऐसे स्पीसीज है जो विलुप्त हो रही है उस पर डिसीजन लेना हो, तो यह क्या होता है सर जी, एक पॉलिसी डिसीजन लेते रहते हैं IUCN, ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा, ठीक है, आगे आ जाओ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में आपके पूछता रहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब किस तरह से हम क्या करें, प्राकृतिक को बचाए, वहाँ पे जो स्पीसीज है, लाइक एनिमल्स हैं, पौधे हैं, या जो भी हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उनको किस तरह से बचाया जा सके, इन सब चीज़ों पे। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, किस तरह से किन चीज़ों को हम बचा सके, इस पे क्या होता है सर जी, मीटिंग होती है, बहुत बड़ी लेवल पे होती है, कई सारे कंट्रीज इसमें हिस्सा भी लेते हैं, ठीक है ना। कंडक्ट द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस विच हेल्ड एवरी 4 ईयर, हर एक 4 सालों में ये होता है, ध्यान रखिएगा, एवरी 4 ईयर इन अ डिफरेंट लोकेशन अराउंड द ग्लोब, पूरे विश्व में अलग अलग लोकेशन पे हर एक 4 सालों में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द फर्स्ट वॉज कंडक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1948, मतलब पहला जो मीटिंग हुआ था, कंजर्वेशन हुआ था, वो हुआ था यूएस में 1948 में, कब हुआ था सर, यूएस में हुआ था सर 1948 में, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि IUCN की जो फर्स्ट कंजर्वेशन मीटिंग हुई थी वो कब और कहां पे हुई थी, तो सर 1948 में हुआ था, यूएन में हुआ था, और पूरे विश्व में होता है
हमेशा एवरी फोर ईयर पे, ये भी रिमेंबर करिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो चीजें मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूं यहां से टू द पॉइंट आपके एग्जाम में सर क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इस तरह के मीटिंग होते हैं, काफी लोग इसमें क्या करते हैं सर, पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर मतलब IUCN के बारे में, इट इज अ मेंबरशिप यूनिक क्विकली एंड अ कंपोज ऑफ द बोथ गवर्नमेंट एंड अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि सिविल, मतलब कि सिविल का मतलब क्या होगा, जैसे हम सब आम नागरिक हैं, तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और किसी कंट्री के स्टेट हो गए, कंट्रीज हो गए, यहां के मेंबर भी क्या है सर, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड क्रिएटेड इन 1948 इट इज द ग्लोब अथॉरिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द मेजर नीडेड टू द सेफ गार्ड। मतलब कह रहा है कि यह क्या है, दुनिया का नेचुरल स्थिति को संरक्षित करने के लिए, मतलब कि दुनिया में जो नेचुरल प्राकृतिक जो अभी कंडीशन चल रही है, पूरे विश्व में जो नेचुरल इंसिडेंट चल रही है, जो कंडीशन चल रही है, उन सबको कंजर्व करने के लिए, उन सबको बचाने के लिए सर ये क्या होता है, मीटिंग होता है, जो कि क्रिएट किया गया था 1948 में। और अभी जस्ट हमने बताया है कि IUCN की पहली जो मीटिंग कंजर्वेशन हुई थी वो कहां पे हुई थी सर, यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। कब हुई थी सर, 1948 में हुई थी। और ये जो बनाया गया था 1948 में IUCN को, इसलिए बनाया गया था कि नेचुरली जो भी डिजास्टर होता है, क्लाइमेट चेंजिंग होती है, उसकी वजह से जो भी हमारे जनजाति हैं, सॉरी जंतुएं हैं, एनिमल्स हैं, पौधे हैं, अगर ये विलुप्त तो होते जा रहे हैं, उनको कंजर्व करना, उनको बचाना, अभी आपको दिखाई देगा, लिस्ट भी मैंने रखा हुआ है, 9 अलग अलग कैटेगरीज है जो अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि विलुप्त तो होते जा रहे हैं, उनको बचाने की भी कोशिश की गई है। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था एलिफेंट रिजर्व के बारे में पढ़ाया था, टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था, मैंने ये भी बताया था कि शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल कितने होते हैं सर, 5 शेड्यूल होते हैं, 5 शेड्यूल में अलग अलग शेड्यूल होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेड्यूल 1 होता है और शेड्यूल 5 होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर ध्यान रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या IUCN के द्वारा अगर शेड्यूल 1 या शेड्यूल 5 में किसी भी एनिमल्स को रखा जाता है, तो इसका मतलब यह होता है, शेड्यूल 1 में रखने का मतलब यह होता है कि भाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब क्या है, विलुप्त होती हुई प्राणी दिखाई दे रहा है, यह गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इसको बचाना है तो हमें इसको शेड्यूल 1 में डालना है, उसके लिए अवेयरनेस होता है, कैंपेन चलता है, और शेड्यूल 1 में डालने के बाद अगर कोई इंसान उस जानवर को मारता है तो उसको सीधा जेल की सजा हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए शेड्यूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, और शेड्यूल 5 का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल इंडिया में हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा सिचुएशन हर साल आता है जहां पे बंदरों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो शेड्यूल 5 में डालने का मतलब ये है कि भैया आप मार सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व जब पढ़ा रहा था मैंने पढ़ाया, टाइगर रिजर्व पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि शेड्यूल होते हैं, वो फिर से मैं कभी एक दिन पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पे, तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सर, वो क्या होता है, कौन कौन सा शेड्यूल है, कौन कौन सा शेड्यूल नहीं है। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा एंड आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे बोलता है इसका जो IUCN का हेडक्वार्टर है वो सर स्विट्जरलैंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन कब हुई थी सर, 1948 में सर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कब हुई थी सर, 1948 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये UN देख के ना, UN आंसर हेडक्वार्टर मत लगा देना, 90% बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट देखा, हेडक्वार्टर उसका वही है, यूनाइटेड स्टेट में पहली कंजर्वेशन हुई थी कब, 1948 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। द IUCN रेड लिस्ट, अब देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, रेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर, ऐसे स्पीसीज जो पूरी तरह से विलुप्त तो होते जा रहे हैं, जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे जानवरों को, ऐसे पक्षियों को, ऐसे पौधों को ये क्या करते हैं, रेड लिस्ट में डाल देते हैं कि इनको किस तरह से बचाया जा सके। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटनेड स्पीसीज इन द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। वही चीजें जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। आगे आते हैं सर, आगे क्या है, ग्लोबल, ध्यान रखिएगा, इंडिजिनियस एजेंडा। अब देखो इसका कि किस तरह से स्वदेशी एजेंडा जो बताया गया विश्व लेवल पे वो क्या है, पूरी तरह से इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में IUCN से आपके एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इट कॉल्स फॉर द सिक्योर रिकोगनाइजेशन एंड द रिस्पेक्ट फॉर द कलेक्टिव इंडिजीनियस राइट्स एंड गवर्नमेंट्स, ध्यान रखिएगा, गवर्नर्स ऑफ लैंड्स
टेरिटरीज वाटर कोस्टल सीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कह रहा है कि एक तरह का लैंड है क्षेत्रीय हो गया, ठीक है, या आप कह सकते हो जल तटीय समुद्र प्राकृतिक संसाधनों के शासन हेतु क्या है स्वदेशी अधिकारों को मान्यता एवं सम्मान प्रदान करो आहान करो। मतलब सिंपल से कह रहा है कि जो लोकल बॉडीज हैं, जो लोकल बॉडीज है उनको क्या करो सर प्रमोट करो, उनको क्या करो सर रिस्पेक्ट करो, उनको क्या करो सर आगे उनके अधिकारों को मान्यता दो, जिससे क्या करे वो एक अच्छे लेवल पे काम करे। देखो एक बड़ा सा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको चलाने के लिए हमारे को छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड होती है जो निचले स्तर पे काम कर सके। तो जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उनको मान्यता देना, उनके रजिस्ट्रेशन को मान्यता देना कि मतलब हाँ आप ये काम कर रहे हो, कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको क्या कह रहे हैं परमिशन दे रहे हैं। तो ये सब काम किया जा सकता है क्या है सर जी स्वदेशी लेवल पे इंडिजिनियस एजेंडा के तहत, ध्यान रखिए ग्लोब पे। उसके बाद सर क्या कहता है, इट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया, IUCN के द्वारा इंडिजिनियस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को भी डेवलप किया गया है। मतलब क्या है कि आप इसके मेंबर बन सकते हो, मेंबर बनने के बाद इस पे कंजर्वेशन पे क्या है सर काम कर सकते हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। इट ले आउट 100 लेवल, मतलब 10 लेवल क्या है सर प्रपोजल एंड द आउटकम्स रिलेटिंग टू फाइव थीम्स, ध्यान रखिएगा। मतलब कह रहा है कि यह 5 विषयों से संबंधित है और 10 हाई लेवल प्रपोजल एंड द आउटकम रिलेटिंग टू 5 थीम्स, इंडिजिनियस गवर्नेंस, ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट एक्शन, पोस्ट COVID-19 रिकवरी एफर्ट एंड फूड सिक्योरिटी एंड द ग्लोबल पॉलिसी सेटिंग। ये 5ों पे क्या है सर कंजर्वेटिंग की बात कही जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको कॉपी पे लिखिएगा, इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है आपके। IUCN रेड लिस्ट अपडेट, IUCN ने क्या किया है अपने रेड लिस्ट को अपडेट किया है, मतलब पहले जो एनिमल्स थे, पहले जो पौधे थे, पहले जो जानवर थे उनको अपडेट किया है। मतलब क्या, कुछ और जानवरों को ऐड किया गया है, कुछ और एनिमल्स को क्या किया गया इस लैट में, किसमें सर रेड लिस्ट जो उनका होता है उसमें ऐड किया गया है। अब आप एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% आएगा कि IUCN के द्वारा कौन से ऐसे स्पीसीज को हाल ही में रेड लिस्ट में क्या किया गया सर शामिल किया गया है, तो वो आप स्पीशियस लिख लेना, आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनने वाला है। क्या क्या बनने वाला है वो भी आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको जरूर से लिख लेना। ठीक है, अब ये रेड लिस्ट क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, अब कौन कौन जुड़ा है ये ध्यान रखिएगा। सम 902 स्पीसीज आर ऑफिशियली एक्सटेंट, 30% ऑफ द स्पीसीज दैट इट्स असेस्ड एंड 138,374 फेस द थ्रेट ऑफ द एक्सटेंट। मतलब कह रहा है 902 जो स्पीसीज हैं उनको क्या है जो प्रजातियां हैं आर ऑफिशियली एक्सटेंट, मतलब कि ये विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, ध्यान रखिएगा यहां पे लिखा है ऑफिशियली एक्सटेंट, मतलब कह रहा है कि 902 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। 30% ऑफ द स्पीसीज दैट एज असेट्स, मतलब कह रहा है कि 30% जो प्रजातियां हैं उनको क्या किया जा रहा है एसेट्स किया जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है, देखा जा रहा है, और ध्यान रखिएगा कितना सर 138,374 फेस द थ्रेट ऑफ द एक्सटेंट, मतलब कि इतने सारे स्पीसीज अभी क्या है खतरे पे दिखाई दे रहे हैं, विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डेटा है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा सर क्या है बहुत बड़ा डेटा है, और ध्यान रखिएगा कौन कौन से एनिमल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। सम 80 स्पीसीज आर एक्सटेंट इन द वर्ल्ड, मतलब कह रहा है 80 अन्य जो हैं प्रजातियां वो भी विलुप्त हो चुकी हैं, और 8,404 आर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब कह रहा है ये जो 8,404 हैं वो बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे कंडीशन पे हैं, और 14,647 आर इंडेंजर्ड एंड 15,492 आर वल्नरेबल एंड 8,127 आर नियर थ्रेटेड। मतलब ये सब कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा जरूर से लिख लेना, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, छोड़ के मत आना मेरे भाई मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेंगे इस डेटा से। ठीक है आगे आ जाओ। सम 71,148 स्पीसीज आर लिस्ट कॉन्सर्न विल वॉयल 19,404 आर डेटा डिफिशियंट, मतलब कह रहा है कि लगभग 71,148 स्पीसीज क्या है
क्या है लिट्स कॉन्सर्न, मतलब क्या है इनकी कंडीशन बहुत ही मतलब चिंताजयी है, चिंताजनक है, इनको देखा नहीं जा रहा है, इनकी कुछ भी कंडीशन हो सकती है, जबकि क्या है 19,404 आर क्या है प्रजातियों का डेटा ही नहीं है, ठीक है, उनको खोजा ही नहीं जा रहा है। नाइन्थ कैटेगरी इज नॉट एवुलेटेड, मतलब कह रहा है जो हमारा नौवां कैटेगरी है किसमें आयुषियन का, उसको क्या कर सकते हैं सर, कंसिडर नहीं करते, नॉट एवुलेट करते हैं, स्पीसीज नॉट असेट बाय द आयुषियन, मतलब क्या है इसकी जो गणना है वो आयुषियन के द्वारा नहीं की जाती है नौवें कैटेगरी की, ठीक है, नौवें कैटेगरी गणना आयुषियन के द्वारा नहीं की जाती, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लो चलो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा अब आया है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में IUCN के द्वारा जो रेड लिस्ट अपडेट किया गया है उसमें कौन से एनिमल को क्या किया गया है सर, शामिल किया गया है। तो पहला आपको दिखाई दे रहा है सर जी कोमोडो ड्रैगन्स है, क्या है सर जी कोमोडो ड्रैगन्स को क्या किया गया IUCN के लिस्ट में रखा गया है, ये एक तरह की बहुत बड़ी लार्ज बहुत ही बड़ी एक क्या होता है सर छिपकली है, क्या है सर छिपकली है जिसको लिजर्ड कहते हैं, इंडोनेशियाज कोमोडो ड्रैगन, इंडोनेशिया में ये पाया जाता है, आपको दिखाई दे रहा है कहां पे पाया जाता है सर जी इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये छिपकली है, ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी छिपकली होती है जो हमारे घरों में होती है वो छोटे छिपकली होते हैं, ये जो पाए जाते हैं इंडोनेशिया में काफी बड़े छिपकली होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इंडोनेशिया का है कोमोडो ड्रैगन, ठीक है, ये क्या है सर जी ध्यान रखिएगा, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड एंड इट हैज बीन मूव्ड फ्रॉम अ वल्नरेबल टू द इंडिजिनियस, मतलब कह रहा है कि ये क्या है खोते हुए दिखाई दे रहा है, संकट की तरफ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं विलुप्त होते दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोमोडो ड्रैगन्स जो है ना इंडोनेशिया का है, क्या कहां का है सर जी इंडोनेशिया का लिजर्ड है, काफी बड़ा होता है ये छिपकली के आकार का होता है, इसको रेड लिस्ट में डाला गया है, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे आ जाओ, उसके बाद सर क्या दिस स्पीसीज इज इंक्रीजिंगली थ्रेट बाय द इंपैक्ट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज विद द राइजिंग सी लेवल एंड एक्सपेक्टेड टू द सिंक इट्स टिनी हैबिटेड बाई द एटलीस्ट 30% ओवर द नेक्स्ट 45 ईयर, मतलब किस तरह से कह रहा है जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समुद्र के पानी का लेवल ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है ये जो प्रजाति स्पीसीज दिखाई दे रहा है सर कहीं ना कहीं लिजर्ड विलुप्त होते जा रहा है, ठीक है, और आने वाले 45 ईयर में भी कहानी वही कह रहा है कि अगले 35 वर्षों में प्रजाति के आवास में कम 30% की कमी आने की आशंका है, मतलब अगले अभी आने वाले 45 ईयर में कहीं ना कहीं इनकी भी स्पीसीज क्या है कम होती दिखाई देगी 45%। तो ये बहुत ही बड़ा डेटा है और इसको कॉपी में ज़रूर से लिखिएगा। आगे आ जाइए, आगे बोलता है टूना, टूना का मतलब होता है सर जी एक मछली होती है, फिश होती है, ये भी विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये टूना मछली है, ठीक है ना, ये टूना मछली है, ऐसे ही येलो टेल मछली होता है वो भी विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है स्पीसीज, ध्यान रखिएगा टूना जो स्पीसीज है इसको भी IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में शामिल किया गया क्योंकि ये विलुप्त हो रहा है, उसको किस तरह से बचाया जा सके, ठीक है ध्यान रखिएगा। फोर ऑफ द 7 मोस्ट कॉमर्शली फिश टूना स्पीसीज हैव शो साइन फॉर रिकवरी, ठीक है, अंटार्क्टिका ध्यान रखिएगा, उसके अनुसार क्या है अंटार्क्टिक ब्लूफिन टूना ये भी है ध्यान रखिएगा ब्लूफिन टूना, ठीक है, मूव फ्रॉम इंडेंजर्ड टू लीस्ट कॉन्सर्न चिंताग्रस्त है, उसके बाद साउथ ईस्ट ब्लूफिना टूना वही है मूव फ्रॉम द क्रिटिकली इंडेंजर टू द इंडेंजर्ड, ठीक है, उसके बाद सर क्या है अल्बाकोर ध्यान रखिएगा अल्बाकोर क्या है सर जी येलो फिन टूनाज है, ये येलो टाइप में आपको दिखाई देते हैं, देखो यहाँ पे येलो टेल होते हैं इसके, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है थ्रेटेंड की तरफ लिस्ट कॉन्सर्न, मतलब कहीं ना कहीं ये भी विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद सर क्या अदर टूना स्पीसीज लाइक का क्या है सर जी बिग बाई, ये अलग ट्यूना के ही अलग अलग प्रजाति हैं, बिग आई ट्यूना है ये भी कहीं ना कहीं उसी में दिखाई दे रहा है, वेलरेबल वॉइल द स्किप जैक ट्यूना, ठीक है, रिमेन्स लिट्स कॉन्सर्ट, ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भी IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में डाला गया है, किसने सर रेड लिस्ट में सर डाला गया है, ठीक है, पेसिफिक ब्लूफिन टूना इसको भी डाला गया है मूव फ्रॉम अ वेलरेबल टू द नियर थ्रेटेंड ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ अ न्यूअर स्टॉक असेसमेंट डाटा एंड मॉडल्स, मतलब ये जो अभी न्यूली जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि भाई ये भी क्या है IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में डाला गया है।
सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव, देखो सशक्त पर्यटन पहल, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सस्टेनेबल टूरिज्म जो इनिशिएटिव किया गया वो क्या है, विच फाउंडेड बाय द जर्मनी एंड इंक्लूडेड इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर सच एज अ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एंड द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। मतलब कह रहा है कि ये जो सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएट किया गया है, यह कार्यक्रम जो है ना जर्मनी के द्वारा किया गया है, जर्मनी एंड इंक्लूडेड द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स, जो साथ में इनके संग पार्टनर हैं वो कौन है, सच अ यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ध्यान रखिएगा एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के द्वारा क्या किया गया, इनिशिएट किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल यूज द टूरिज्म एंड इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग एंड द इमर्जिंग कंट्रीज। मतलब क्या है, किस तरह से इसको बचाया जा सके, इसको और भी विकासशील बनाया जा सके, ठीक है, उभरते हुए देशों के संग क्या करेंगे सर, सशक्त विकास में योगदान करने के लिए पर्यटन को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा। और आपको पता है कि जिस तरह से हर एक कंट्रीज में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए, हर एक कंट्री का जो ग्रोथ होता है वो पर्यटन से भी होता है, टूरिज्म से भी होता है, रेवेन्यू इकट्ठा होती है, उस कंट्री को बेनिफिट होता है, उस स्टेट को बेनिफिट होता है, यह सब कुछ आपस में क्या है सर, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ। अब बोलता है पायलट द इनिशिएट IUCN विल वर्क विद अ टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ फाइव अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन पेरू एंड वियतनाम टू इंक्रीज द रिलेवेंस ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म सेक्टर फॉर अ फ्यूचर डिस्प्यूशन। मतलब कह रहा है कि ये जो पहल स्टार्ट किया गया है, पहल को संचालित करने के लिए IUCN, ध्यान रखिएगा IUCN विल वर्क विद टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब क्या है, दो विश्व धरोहर स्थल के संग पेरू और वियतनाम में पांच अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ काम कर रहा है। कौन कर रहा है, IUCN कर रहा है, किसके संग कर रहा है सर जी, तो पेरू और वियतनाम में। कहां पे सर, पेरू और वियतनाम में, टू इंक्रीज द रेजिलेंस ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म सेक्टर ऑफ अ फ्यूचर डिसिप्लिन। मतलब पांच जगहों पे कर रहा है, किस तरह से इसको और भी बढ़ाया जा सके। आगे आ जाओ। अब देखो आपको ये भी दिखाई दे रहा है, एक पंक्षी है, ये भी अपडेट किया गया, इसको भी रेड लिस्ट में डाला गया है। क्या है सर जी, अदर रिसेंट अपडेट, ठीक है। अब कहता है रैप्टर, रैप्टर भी ये बर्ड टाइप में होता है, आपको दिखाई दे रहा है, रैप्टर भी क्या होता है, एक बर्ड टाइप में आपको दिखाई दे रहा है। रैप्टर स्पीसीज अंडर द थ्रेट, मतलब ये भी खतरे की घंटी पे है, मतलब कहीं ना कहीं खतरे के एरिया में दिखाई दे रहा है रैप्टर, इसको हम लोग रैप्टर बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय द IUCN एंड द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, अराउंड 30% ऑफ द 557 रैप्टर स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड आर थ्रेटनेड एंड एक्सटेंड सम ऑफ द डिग्रीज। मतलब कह रहा है कि ये विलुप्त होती दिखाई दे रही है 30%, ध्यान रखिएगा 557 रैप्टर स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, और इसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस रैप्टर स्पीसीज को भी क्या किया गया सर, IUCN के द्वारा, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा क्या किया गया सर, रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो डेटा हम दे रहे हैं लिख लीजिएगा कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन इस डेटा से बनने वाले हैं आपके। अब बोलता है बलहर, बलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। अभी हाल ही में बलहर कंजर्वे टर्टल, मतलब जो कछुआ होता है उसको बचाने के लिए अवार्ड दिया गया, जो कि भारत में दिया गया है। तो बलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड रिसेंटली इंडियन बायोलॉजिस्ट, ध्यान रखिएगा, इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह हैज बीन अवार्डेड द बलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड फॉर अ ब्रिंगिंग थ्री क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल कंजर्वेशन स्पीसीज बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन। मतलब कह रहा है कि जो हमारे इंडियन शैलेंद्र सिंह थे, इनको हाल ही में क्या किया गया है, बलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने क्या किया, तीन ऐसे क्रिटिकली इनडेंजर टर्टल थे जिसको इन्होंने बचाया है। क्या किया है, तीन ऐसे क्रिटिकली इनडेंजर्ड जो टर्टल थे उसको इन्होंने क्या किया, बचाया है। इस वजह से बलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। नाम क्या है सर जी, शैलेंद्र सिंह, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इनका नाम, ठीक है। तो इसको कॉपी में जरूर से लिखिएगा, एग्जाम में इससे 100% क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। अब कहता है को प्रेजेंटेड बाय द टर्टल सर्वलेंस अलायंस TSA IUCN टर्टल्स एंड फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलाइज्ड ग्रुप टर्टल कंजर्वेशन एंड द टर्टल कंजर्वेशन फंड।
ये वही चीज़ें हैं सब कुछ। आगे बढ़ते हैं सर, अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने दो टॉपिक आपको पढ़ा दिया, तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी। अब ध्यान से समझना क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आजकल पूछा जाएगा और इस टाइम काफ़ी तेज बढ़ता हुआ एक इन्वेस्टमेंट क्या है सर, प्लेटफॉर्म है। क्या है सर? इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक वर्चुअल करेंसी होता है। क्या होता है सर? एक वर्चुअल करेंसी होता है जहाँ पे पैसे आपको दिखाई नहीं देते, और वैसे भी आप लोग वर्चुअल करेंसी हमेशा रात दिन यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो पता है आप लोग? कभी भी हम लोग देखा है पैसे को पैसे में कहाँ करते हैं? अभी जब से ये डिजिटलाइजेशन बढ़ता गया है, हम लोग फ़ोन पे UPI यूज़ करना चालू कर दिए, गूगल यूज़ करना चालू कर दिए, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपने दोस्तों को पैसा भेजते हैं, घर परिवार वालों को भेजते हैं, तो ये सब जो पैसा हम लोग भेजते हैं, कभी भी पैसा देखा है क्या? नहीं देखा है। जब आप फ़ोनपे पे अपना बैलेंस चेक करते हो तो क्या आपको पैसा दिखाई देता है? नहीं सर, पैसा नहीं दिखाई देता सर, हमारे को नंबर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है सर? नंबर दिखाई देता है। जैसे आपके अकाउंट में 500 रुपये है तो 500 एक नंबर दिखाई देता है, ना कि पैसा दिखाई देता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, इसी को हम लोग वर्चुअल करेंसी कहते हैं। जो हमें करेंसी दिखाई नहीं देती है वो सिर्फ आभासी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या करते हैं? क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी तक हमारे इंडिया में 2020 तक इसको क्या किया गया था सर? मान्यता नहीं दिया गया था, बट 2020 में RBI के द्वारा इसको मान्यता दिया गया। वो भी क्यों? वो भी दिया गया है कि भाई आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन 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 उसका ऑफलाइन मतलब सॉफ्ट कॉपी में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि पैसे को आपने क्रिप्टो करेंसी निकाला और भारत में जाके किसी भी राज्य में या कहीं भी आप चाहो कि उससे हम कुछ सामान खरीद ले, तो वो अनलीगल, गलत है, इनलीगल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडिया में अभी तक कहीं भी नहीं किया गया, सिर्फ एक कंट्री है, घाना है, जहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मान्यता दे दिया है, बाकी इंडिया में अभी नहीं दिया गया है। इंडिया में वर्चुअली लोग ट्रेडिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं, इसके लिए RBI ने कर दिया। और अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा RBI को एक रिपोर्ट भेजा गया है, जिसमें भारत के द्वारा भी इनिशिएट करने की बातें कही गई कि भारत भी क्यों ना एक क्रिप्टो करेंसी क्या करे, बनाए और उसको मार्केट में लॉन्च करे। जिस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ है क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किए हुए हैं, वैसे भारत भी अभी इस पर इनिशिएट कर रहा है, बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को लाने के लिए। क्या पता कुछ सालों में आपको दिखाई दे क्रिप्टो करेंसी इंडिया का भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से देश आगे की ओर बढ़ रहा है, हर एक कंट्रीज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन दुनिया जब सब कुछ चल ही रहा है तो उसमें भी क्रिप्टो करेंसी को आना बहुत जरूरी है और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। अब ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या, इस चीज को समझना। क्रिप्टो करेंसी में पहली बात मैंने बताया, एक वर्चुअली प्लेटफॉर्म होता है, गवर्नमेंट हमारी इससे रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, ध्यान रखिएगा। हमारा RBI इसके लिए कोई भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहली बात है ये, ठीक है। इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एक तरह से ये मीडिएटर होता है, और जैसे हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मीडिएटर बीच में होते हैं, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, मीडिएटर बीच में नहीं होते हैं, ख़त्म हो गए हैं। आप डायरेक्टली क्या करोगे, क्रिप्टो करेंसी दूसरी खरीदोगे और दूसरे को बेच दोगे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, बीच वाला कहानी कुछ भी नहीं है, और एट द टाइम पैसा आपका रिफंड भी होगा, एट द टाइम पैसा डिपॉजिट भी होगा, ठीक है। लेकिन 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 इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है आपके पैसे का, कि आपने पैसा जमा किया आपको पैसा मिल भी जाएगा कि नहीं भी मिलेगा, नहीं पता होता है। RBI क्या करता है भाई, कि आपका अगर 2 रुपये होता है किसी भी बैंक में आपने रखा है, तो वो सिक्योरिटी होती है कि आपका पैसा यहाँ पे है, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक रिस्क भी बहुत बड़ा है, तो अगर बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लोग पैसे लगाते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो वो अपने रिस्क पे लगाते हैं, वहाँ के सेंट्रल बैंक के द्वारा कोई भी यहाँ पे क्या है, आपको सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है। हाँ, ये है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बट इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, 200-300-400% तक की क्या होती है सर जी, इसमें रिटर्न होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो पैसे से पैसा को बनाना यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में काम होता है, ठीक है। किस तरह से काम होती है, क्या होती है, ये चीज़ समझना। द डेवलपमेंट ऑफ बिटकॉइन एंड द क्रिप्टो करेंसीज इन अ डिकेड हैज अ चेंज डिफिनीशन ऑफ अ मनी एंड द जनरेटेड अ पैरेलल यूनिवर्स ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज। क्रिप्टो करेंसी जब से आया है, बिटकॉइन जब से निकल के सामने आया है, ठीक है, इन्होंने तो भैया पैसे का क्या किया, डिफिनीशन ही बदल दिया है, ठीक है। लोग जानते नहीं थे बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन को ही क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। एक समय था 2013 में बहुत सारे ऐसे लोग थे, उस टाइम क्रिप्टो, ये बिटकॉइन जो था, मुश्किल से 50 रुपए का था,
एक बिटकॉइन, और आपको सुन के शॉक्ड हो जाएगा कि 2013 और 2021, आप सोचो 2000 अभी 21 चल रहा है, जिन लोगों ने 2013 में एक बिटकॉइन खरीदा था 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, जितने का भी था, आज वो बिटकॉइन, एक बिटकॉइन आपको पता है कितने लाख का है? 36 लाख का है। मतलब क्या है? 36 लाख का है। मतलब आप सोच लो कि एक बिटकॉइन खरीदा है कोई 2003 में, 2013 में, या 2010 में, या 2008 में, कम पैसों में, 100 रुपये से कम की वैल्यू में खरीदा था, आज वही बिटकॉइन की वैल्यू कितना है? लाखों में है, 35 लाख 36 लाख रुपए है। सोचो अगर कोई इंसान ने उस टाइम में अगर 5 नहीं 10 खरीद लिया, 500 रुपये, 1000 रुपये लगा खरीद लिया, आज उसकी करोड़ों में वैल्यू है, सोच लो। तो इतना तो बैंक भी रिटर्न नहीं देगा, रिस्क तो बहुत बड़ा है लेकिन बैंक भी रिटर्न नहीं देगा, तो सोचो कितना बेनिफिट हुआ होगा उन लोगों को, जिन लोगों ने उस टाइम खरीदा होगा और आज बेचा होगा, करोड़ों रुपए मिला होगा इनको। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है, और यही कह रहा है कि क्या किया गया है, इसका एक तरह से डेफिनेशन ही चेंज कर दिया ये मनी का, आके एंड जनरेटेड अ पैरेलल यूनिवर्स अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विस IAFCs। द डेवलपमेंट ऑफ द अलाउ क्रैप्टो बिजनेस टू द मूव इन टू अ ट्रेडिशनल बैंकिंग टेरेटरीज। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार की विकास ने क्रैप्टो व्यवसायों को प्रारंभिक बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश अनुमति दे दी गई है, कि भाई ये देखा जरा जिस तरह से ग्लोबली वैश्विक लेवल पर बढ़ता जा रहा है, इसी तरह हर एक बैंक क्या कर रहे हैं, इसको परमिशन देते जा रहे हैं। AFS इज अ टर्म ऑफन used to describe the array of financial services offered by the provider that operate outside or friendly insured bank and thief। मतलब कि मतलब आप कह सकते हो कि जिस तरह से प्रॉब्लम होती है, एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अक्सर उन क्या करते हैं प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवा, फाइनेंशियली सेवा के ऋण में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, जो कि क्या है सर जी, वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो संघ द्वारा बीमित बैंकों और क्या है वित्त व्यामी के बाहर काम करते हैं। अब देखो 2009 की बातें कर रहे हैं, जब 2009 में क्रिप्टो करेंसी दिखाई दिया था ये बिटकॉइन, उस टाइम इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी सर, ध्यान रखना, लेस देन थी, कितना थी सर, 100 रुपये, 100 रुपये से कम थी 2009 में, ठीक है। फिर 2011 में एक नई आई, क्या नाम था, लाइट क्वाइन लॉन्च किया गया, फिर 2012 में आपको दिखाई दिया रिपल आया, 2013 में भी एक बिटकॉइन आई, फिर 2015 में भी इथेरियम आया, 2017 में ओवर 1000 क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड, 1000 से ऊपर करेंसी को लिस्टेड हुआ 2017 में, और 2018 में देखो क्या कहानी हो गया, ब्लॉकचेन बन गया, और अभी डिकेंड अभी चल रहा है, अभी हालात ये। अब जो 2009 में बंदा बिटकॉइन खरीदा होगा 80 रुपये में, 100 रुपये में, 2009 और आज 10 सालों में इसकी हालात देखो क्या है, लाखों में है। इतना तो बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा जितना आपको बिटकॉइन के द्वारा मिल गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो करोड़पति बन गए, जो 100 रुपये का, 80 रुपये का, 90 रुपये का एक बिटकॉइन खरीदे थे, आज वही बिटकॉइन की वैल्यू 2021 में 35 लाख रुपये है, 36 लाख रुपये है। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा ये बेनिफिशरी है बिटकॉइन, ठीक है। अल्टरनेटिव सर्विसेज ऑफर्ड बाय द क्रैप्टो, एक अलग अलग टाइप का अल्टरनेटिव सर्विसेज ऑफर्ड की जाती है क्रैप्टो के द्वारा, अबाउट मोस्ट नोटेबली लीडिंग एंड ब्रोइंग। मतलब आप बिटकॉइन खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, वहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म पे कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेज ओवर अ बैंक, इन्वेस्टर्स एंड कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन द होल्डिंग। वही जो मैंने आपको बताया है, इस पे इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त मिलता है, अच्छा खासा मिलता है, लॉट ऑफ मनी आपको मिल सकती है, ठीक है। आगे आते हैं सर, रीजन क्या होता है, बाई लॉ बैंक एंड रिक्वायर्ड हैव अ रिजर्व एंड इंश्योर दैट इवन सम लोन्स गो बैड कस्टमर कैन स्टिल विदड्रॉ फंड, वेयर एज क्रैप्टो बैंक डू नॉट हैव द सेम रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड द इंस्टीट्यूशनल दे लीड टू कैन टेक रिस्क एक्टिविटीज। मतलब कहता है कि अगर RBI आप पे पैसे को रखती है और कुछ भी उस पर क्या होता है, अगर इश्यूज होता है, फ्रॉडनेस होती है या लैप्स करता है, तो उस केस में RBI आपको क्या करती है, फंड वापस करती है। बट क्रिप्टो करेंसी बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं होती है, तो थोड़ा सा रिस्क जरूर है लेकिन बेनिफिट बहुत है, रिटर्न बहुत तगड़ी मिलती है क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। रिक्स दिखाई दे रहा है, डिपॉजिट आर नॉट गारंटी बाय द सेंट्रल बैंक एंड बैक एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। साइबर अटैक, एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन, अदर ऑपरेशनल और टेक्निकल डिफिकल्टीज कुड लीड टू अ टेम्पररी परमानेंट हॉल्ट एंड विड्रॉल, ध्यान रखिए विड्रॉल्स ऑफ द ट्रांसफर। मतलब इसमें कोई भी रिक्स तो है भाई, पैसा जमा कर रहे हो, पैसा निकाल लो, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, साइबर अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा कोई भी गारंटी
नहीं ली जाती है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। ये आपका खुद का रिस्क होता है कि आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और पैसे लगाते हो और विड्रॉल करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है स्टेबल क्वाइन, स्टेबल क्वाइन दे आर क्रिप्टो करेंसी पेग टू द स्टेबल असेसमेंट कॉमनली टू लॉर्ड डॉलर, दे आर मीन टू प्रोवाइड द स्टडी वैल्यू ऑफ अ गवर्नमेंट इशूज मनी इज द डिजिटल फ्रॉम अ ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन बट दे आर इशूड बाय द प्राइवेट एंटिटीज। मतलब कह रहा है कि जो स्टेबल करेंसीज है ये क्रिप्टो करेंसी ही है। स्टेबल करेंसी क्या है सर? ये भी एक क्रिप्टो करेंसी ही है जो कि आमतौर पर डॉलर से जुड़ी हुई है, डॉलर से जुड़ा हुआ है और एक ब्लॉकचेन लेन देन हेतु डिजिटल रूप में सरकार द्वारा जारी धन की स्थिति मूल्य प्रदान करने के लिए है, लेकिन निजी संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज के द्वारा क्या कहते हैं किए जाते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो डॉलर में होती है। ये वर्चुअली सेम चीज है, क्रिप्टो करेंसी ही है, इसको बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं और एक रिस्क पे आप इस पे काम कर सकते हो। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज स्टेबल क्वाइन, ध्यान रखिएगा स्टेबल क्वाइन क्या है। तो स्टेबल क्वाइन भी क्या है सर जी? एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि डॉलर में कंसीडर किया जाता है। क्रिप्टो इज अ वेरी वोलाटाइल मेकिंग इट लेस प्रैक्टिकल फॉर द ट्रांजेक्शन लाइक अ पेमेंट्स और अ लोन, दैट इज अ वे अ स्टेबल क्वाइंस केम। मतलब क्रिप्टो करेंसी एक स्थिर प्रकृति की कमी है जिससे भुगतान या ऋण जैसे लेन देन के लिए यह कम व्यवहारिक है। यहीं से स्टेबल क्वाइन का महत्व बढ़ जाता है। मतलब आपसी लेन देन, हम चाहे कि 2 रुपये आपको दे दें, 100 रुपये आपको दे दें, मतलब क्या है यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये चाहे कि भाई स्टेबल क्वाइन, अगर एक स्टेबल क्वाइन हम आपको दे दें और आप हमें दे दें तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ वर्चुअली हम कर सकते हैं, वर्चुअली हम आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, आप हमें कर सकते हैं, बट हाथ में हम इसको यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी क्रिप्टो करेंसी आप नहीं कर सकते, हमारे इंडिया में इनलीगल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेबल क्वाइन यूजर सपोज टू होल्ड द मॉनिटर एंड रिजर्व, वही चीज यहां पर लिखा है, बट देयर इज अ नो गारंटी दे एक्चुअल होल्ड 1 to 1 dollar बैकिंग इन द चैन, ठीक है, वही चीज लिखा है, कोई भी गारंटी सर यहां पर नहीं है। आगे आ जाओ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इट इज अ वर्चुअल फॉर्मेट ऑफ अ फेट करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी सच एज अ सेंट्रल बैंक फॉर अ पर्टिकुलर नेशन और रीजन। एक विशेष प्रकार का राष्ट्र या क्षेत्र के लिए फिएट मुद्रा है, सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, एक केंद्रीय प्राधिकरण जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा क्या करते हैं आभासी रूप में क्या करते हैं शामिल किया जाता है या इसको परमिशन दी जाती है। सेंट्रल बैंकर एंड द एक्सरसाइज द पोटेंशियल फॉर द इश्यूज ऑफ अ गवर्नमेंट इश्यूज क्रिप्टो करेंसी दैट वुड थ्योरेटिकल ऑफर द कन्विंसिंग ऑफ द क्रिप्टो विद द रिलेबिलिटी ऑफ अ मनी कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। सब कुछ वही है जो चीजें मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है, बताया है इसके रिस्क के ऊपर, इसके बेनिफिट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब कह रहा है विकेंद्री वित्त डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में वही भी कहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ था मैंने आपको बता दिया है, ये चीज़ वही लिखा हुआ है। बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अब इसका बेनिफिट क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्वेंटर आर्ग्यू दैट द क्रिप्टो फास्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर कैन अर्न अनयूजली हायर रिटर्न। यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैंने जो आपको बताया वही चीज़ लिखा है, हायर रिटर्न ऑन दियर होल्डिंग अनलाइक द बैंक। मतलब कह रहा है कि अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो, बिटकॉइन खरीदते हो, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी नाम है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग करेंसी है, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, बहुत सारे सोलाना, बहुत सारे अलग अलग है। अगर आप इसको खरीद के होल्ड करते हो और होल्ड करने पे क्या पता, मार्केट पे डिपेंड करता है मार्केट कैसा है, और सबसे अच्छी बात ये कि 24 घंटे ये चलता है, हर एक सेकंड पे क्या करता है ट्रेंड करता है, अप एंड डाउन करता है, उस कंडीशन में आप इसको बेच भी सकते हो, मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हो और मैक्सिमम नुकसान भी हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क पे है, तो रिस्क अगर आप झेल सकते हो तो आप करो, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। बट मैं ये कहूँगा कि खेलने के पहले मिनिमम आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर पैसा है, हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो ज्यादा नहीं 100 रुपये आप लगा सकते हो, 100 रुपये आज के समय में कोई बड़ी चीज नहीं है, 100 रुपये लगा के आप देख सकते हो कि हाँ सर बेनिफिट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, तभी पैसे लगाना, अदरवाइज पैसे घर का मत लगाना, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, क्विक एंड चीप ट्रांजेक्शन, जो देखो इसकी जो ट्रांजेक्शन होती है बहुत ही ईजी होती है, इतना इन्होंने ईजी बना दिया है, जैसे आप फोन पे होता है UPI ट्रांजेक्शन होता है वैसे ही सेम है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी होता है। UPI ट्रांजेक्शन से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, बहुत ही ईजी इन्होंने बना रखा है। आगे आ जाओ, और ये वही चीज़ें हैं, सर्विसेस है इसकी, ठीक है, डेफ प्रोटोकॉल है।
अब वे आगे क्या हो सकता है, मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में, न्यू टेक्नोलॉजी डिमांड अ न्यू अप्रोच, नोवेल रेक्स कैन बी द एड्रेसेस विदाउट अ नेसेसरी रेस्टिकेशन इनोवेशन। तो ये सब प्रॉब्लम सर आपको दिखाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द एंटिटी विच आर द क्रूशियल्स फाइटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड नीड टू द एड्रेसेस इंस्टेंट स्टार्टिंग द स्पेसिफाई क्वालिटी, मतलब आपके समय में देख लो साइबर अटैक कितना हो रहा है, अकाउंट डिटेल्स आपके लीक हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को सर आपको मिल सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था करंट अफेयर जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये बेनिफिट चल रहा है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे, 12 मंथ का आपको SSV फ्री मिलेगा। कब तक? अगर आप 30 तारीख के पहले लेते हैं तो सिर्फ आपको यूज़ करना है RLIFE कोड को, आपको RLIFE कोड को यूज़ करना है और आपको ये दोनों बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि सर 25% का हमें डिस्काउंट चाहिए, तो 15% आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा और 10% हमारे रेफरल कोड से मिलेगा, अगर आप इस रेफरल कोड को क्या करते हैं सर यूज़ करते हैं, RLIFE रेफरल कोड को यूज़ करने से आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। कब तक? कल तक, 17th of September तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब पूरे बेनिफिट है, यहाँ पर भी आप RLIFE कोड लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी RLIFE कोड लगाइएगा तब आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे RLIFE कोड, इन्हीं कोड को यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा सर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इन्हीं कोडों को यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। सर मेरा SSC GD का एग्ज़ाम है, किसी को कोई डाउट है, किसी बच्चे को कोई डाउट है, जल्दी से सभी अपने डाउट्स पूछेंगे। सेशन को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने ग्रुप में जहाँ भी आपको लगता है कि सर शेयर करना चाहिए, और कंटेंट का ज़रूर से नोट्स बनाते चलना, इसी नोट्स का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है।